समाधानकारक सेक्स न होने के पांच मुख्य कारण कौन से हैं? इसके बारे में बात करने वाला हूँ। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में पिछले 40 साल से अकोला में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। सेक्स नहीं होने के बहुत सारे कारण हैं। साइकोलॉजिकल है, फिजिकल है, साइकोसोमेटिक है, बहुत सारे कारण हो सकते हैं। उसमें कि हम पाँच प्रमुख कारण देखने वाले हैं कि वे सेक्स होता क्यों नहीं। नंबर एक, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, तनाव है दिमाग के ऊपर, चिंता है। और फिर चिंता की वजह से क्या होता है कि सर दर्द हो रहा है या फिर पेट में गड़बड़ी हो रही है, एंजाइटी है या इरिटेबल बॉयल है, मतलब पेट ठीक नहीं है या पेट फुला हुआ है, मतलब पेट का ऐसा अनइजीनेस है, उससे फिर सेक्स होता नहीं है। और सबसे ज़्यादा तो बहुत तनाव से एंजाइटी, डिप्रेशन इससे होता नहीं है, क्योंकि उसमें फिर सेक्सुअल डिज़ायर होती नहीं है, और सेक्सुअल डिज़ायर होना बहुत ज़रूरी है। नंबर दो, लो सेल्फ एस्टीम, मतलब अपने खुद के बारे में आत्मसम्मान जो है वो बहुत कम होना, स्वाभिमान नहीं है, आत्मसम्मान नहीं है, अपने आप को बहुत गया बीता समझना, मैं ठीक नहीं हूँ, मैं अच्छा नहीं हूँ, मैं काला हूँ, मैं गोरा हूँ, मैं छोटा हूँ, मैं नकटा हूँ, जो भी है वो, और मेरा मेरे बारे में अच्छा मत नहीं है, मैं अच्छा होना चाहिए था, जो भी कुछ है, मैं स्मार्ट नहीं हूँ, मैं इतना बुद्धिमान नहीं हूँ, तो लो सेल्फ एस्टीम है। और ऐसे लोगों को यदि कुछ सेक्स के बारे में बचपन में कुछ अत्याचार हुआ होगा या ऐसा कुछ सेक्सुअल अब्यूज़ हुआ है तो फिर तो और ज़्यादा हो जाता है। तो उसमें क्या होता है कि ये लोगों को पत्नी के साथ में सेक्स इनिशिएट करने की इच्छा नहीं होती, डर लगता है कि मैं इनिशिएट कैसा करूँ, शुरुआत कैसे करूँ सेक्स की, कैसे करना चाहिए, वो क्या बोलेंगी, इसलिए शुरू नहीं करते हैं। दूसरा, एक बार शुरू हो गया तो नग्न अवस्था में जाना, मतलब पूरे कपड़े निकाल देना, उसमें उनको शर्म आती है, फिर अंदर करो, ज़्यादा कुछ बोलो मत, मतलब ऐसा कि बहुत शर्म आ रही है तो कैसा तभी करके निपट लेना ऐसा। तो ये लो सेल्फ एस्टीम वाले लोगों की प्रॉब्लम रहती है। तीसरा जो है वो है क्रॉनिक मेडिकल इशूज़, यानी कोई मेडिकल की बीमारी है आपको, मेडिकल बीमारी है, कोई शारीरिक बीमारी है, और वो जो हलचल करने में, सेक्स करने में तकलीफ दे रही है, जैसे जोड़ों का दर्द है, फिर थकान है, बहुत थक गया है, फिर दर्द हो रहा है, बॉडी एक्स एंड पेन्स, या बॉडी में बहुत स्टिफनेस आया हुआ है, कड़कपना है, या योनि में सूजन है, या योनि में सूखापन बहुत है, या फिर आपको दवाइयाँ चल रही है। तो बहुत सारी दवाइयाँ ऐसी होती है कि जिसमें इच्छा नहीं होती या इरेक्शन नहीं आता। फिर नंबर चार, चौथा जो है वो है स्मार्ट डिवाइसेस इंटरफेरेंस। उसके पहले मैं रिपीट कर रहा हूँ, नंबर एक स्ट्रेस, नंबर दो लो सेल्फ एस्टीम, नंबर तीन क्रॉनिक मेडिकल इश्यूज, और नंबर चार स्मार्ट डिवाइसेस लाइक टीवी और फोन। क्या होता है कि फोन टीवी चालू रहते हैं और उसका एक लोगों को एडिक्शन है, दो दो तीन तीन चार चार घंटे लोग देखते रहते हैं, सेक्स करते नहीं है, बाद में बिल्कुल ऐसे नींद आ रही है, बेड पे जा रहे हैं, फिर उनको अभी लगेगा अभी सेक्स करना चाहिए। सेक्स करने की वो समय नहीं है कि आप थके हुए अभी भी जाके नींद हावी हो गई है और फिर वो सेक्स करो, ऐसे चलता। तो जब आप फ्रेश है, जब नींद नहीं आई तभी करना चाहिए, इसलिए टीवी और फोन जो है वो बेडरूम के बाहर रखना बहुत ज़रूरी है। इवन आप जब बाहर जाते हैं खाना खाने के लिए तो आपने आपका फ़ोन जो है वो कार में रख देना चाहिए, ताकि आप होटल में साथ में बैठेंगे, साथ में बातचीत करेंगे और रिलेशनशिप अच्छे डेवलप होंगे। पांचवा जो है वो है वेनिंग कनेक्शन, मतलब कनेक्शन में कम होना, अब आपस में जो कनेक्टेड रहती है हस्बैंड वाइफ की, उसमें कमी आना। तो उसके लिए क्या करना है, इंटीमेट होना ज़रूरी है, एक दूसरे को चाहत, एक दूसरे के बारे में चाहत निर्माण करना, प्यार बताना, प्यार जताना, लव यू बोलना, केयर करना। उसके साथ साथ किड्स फ्री वीकेंड, मतलब शनिवार रविवार बच्चों को नहीं लेकर जाके दोनों ने सिर्फ बाहर निकल जाना और दो दिन घूम के आना। क्या होता है कि बच्चे लेके गए तो बच्चों में ही दिल रहता है माँ का, तो मतलब बच्चे विरहित वीकेंड। आप काम पे रहते हैं तो आप SMS भेज सकते हैं लव यू हस्बैंड वाइफ को, वाइफ हस्बैंड को, मतलब कनेक्टिविटी आती है, रिलेशनशिप अच्छी डेवलप होती है। रात को या सुबह दोनों ने साथ में घूमने चले जाना, तो ऐसे कनेक्शन पक्के करने में ये ट्रिक्स काम में आती है, या ये बिहेवियर काम में आता है। अब इसका इलाज कैसे करें, ट्रीटमेंट, एक तो है कि एज बहुत ज़्यादा हुआ है, डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, तो आपको दवाई लेनी पड़ेगी, नहीं तो फिर आप रेगुलर एक्सरसाइज करना चालू करो, काउंसिलिंग बहुत फ़ायदेमंद होता है। आपसी रिश्ते जो है दोनों के बहुत अच्छे होना चाहिए, बहुत थिक होना चाहिए,
फ्री टॉकिंग, दोनों ने बहुत अच्छी बातचीत करके प्रॉब्लम्स जो इश्यूज है उसके बारे में चर्चा करना चाहिए, छुपाने का नहीं है। अपने बॉडी पार्ट्स जो है उसको स्टडी करना है, और इसका मतलब इरोजिनस जोन कहाँ कहाँ है, कहाँ कहाँ एक्साइटमेंट ज़्यादा आती है, कहाँ कहाँ मसाज के तो अच्छा लगता है। वैसे स्टडी सेक्स पार्ट्स जो है, सेक्स ऑर्गन्स जो है उसको भी स्टडी करना है कि यूनि क्या होती है, क्लाइटोरिस क्या होता है, मालूम होना चाहिए सभी। तो ये सब आप करते हो तो आपकी हिचक विचक निकल जाएगी और सही ढंग से आप सेक्स कर पाओगे। अगर आपको अच्छा लगा तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। थैंक यू वेरी मच।